नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी, आज हम बना रहे हैं बाथू की खीर। दोस्तों, यह बाथू की खीर बहुत ही टेस्टी होती है। हम इसको व्रतों में, त्योहारों में और ऐसे भी बना लेते हैं। ज़्यादातर हम शिवरात्रि के व्रत को बनाते हैं, भगवान को इसका फलाहार भी चढ़ाते हैं और खुद भी खाते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला यह फलाहार है। देखिए, देखने में जितना अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, यह मीठा होता है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए, और बहुत ही जल्दी बनेगा। आप अंत तक मेरी वीडियो देखना। ये हमने एक कटोरी में लिया हुआ है बाथू, ये जो जिसका मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसके लड्डू बनाने भी आपको बताए थे, अभी मैं इसको इसकी खीर बनाना आपको बताऊंगी। अभी ये है चीनी और ये आधा लीटर मैंने लिया हुआ है दूध। अभी हम कढ़ाई रख रहे हैं, कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसकी हम बाथू की खीर जैसी बन जाएगी। ये देखिए, मैंने दोस्तों कढ़ाई रखी है। अब हम देखेंगे कि गर्म हुई या नहीं। हम थोड़े से दाने इसके इसमें बाथू के डालेंगे। अगर इसकी खील बन गई तो गर्म हो चुकी, देखिए गर्म हो चुकी है कढ़ाई। अब हम इसमें भून लेते हैं। अगर ठंडी कढ़ाई में डालेंगे तो इसकी सीख से खील नहीं बनेगी तो हमारी खीर भी ठीक नहीं बनेगी। अब हम डाल रहे हैं इसमें बाथू, जो जल्दी जल्दी हमें हिलाना है ताकि इसकी ठीक से, ये हमने सूती कपड़ा लिया है, इससे हमने एक अच्छी के करीब ही इसमें डाला है बाथू। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालते हैं। देखिए पूरा हमारी कढ़ाई कितनी भर चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे, ऐसे ही सारी को भून लेंगे। ये हमने खील बना ली हुई है सारे की। अभी हमने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना है, एक छोटा सा चम्मच। ये हमने डाल दिया इसमें घी और अंश कर दी कम। इसमें थोड़ी सी मीठी सौंफ डाली, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी खीर से। अभी थोड़ा सा इसमें को ब्राउन होने दूंगी। देखिए हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें खिले डाल दूंगी, जो बाथू हमने भून के लिया हुआ है। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ पानी, पानी नहीं सॉरी दूध। इतना ही दूध डालेंगे हम, साथ साथ देख लेंगे कि जैसे पक्षी चलानी तो हो गई, इतना ही, ज़्यादा दूध नहीं खपता इसमें। और ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत ही पतली हो जाएगी, ठीक नहीं लगेगी। अभी इसमें मैं डालूँगी चीनी स्वाद के अनुसार, मैंने थोड़ी सी ही बनाई है, इसके लिए मैं 2 चम्मच छोटे डाल रही हूँ इसके करीब। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसकी खील बनी होती पहले ही नरम होता है। और ऐसे ही 1-2 उबाले दे के हम इसको रख सकते हैं। इसमें थोड़े से हम डालेंगे पीसी हुई इलायची। देखिए दोस्तों, अभी हमारी खीर हो चुकी है। ये फलाहार बहुत ही अच्छा होता है, बहुत जल्दी बनता है और शुद्ध भी मानते हैं इसको। आप इस बार शिवरात्रि पर बनाना खाना और भगवान जी को भी भोग लगाना। ये होगी हमारी बाथू की खीर तैयार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।